दोस्तों, जैसे कि हम सभी ने हमेशा से यही सुना है कि भगवान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हेतु हनुमान जी से संजीवनी बूटी मंगाई थी। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस संजीवनी बूटी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी और वो संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पर्वत पर ही कैसे प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों, संजीवनी बूटी के यही रहस्य को जानने और वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टॉक विद जिंदगी में, जिसमें आपको ऐसे ही कथा कहानियों के बातें और उनसे जुड़े रहस्य जानने मिलेंगे। दोस्तों, जब रामायण में रावण से युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण के प्रहार से मूर्छित किया था, तब लक्ष्मी जी को सिर्फ संजीवनी बूटी की सहायता से ही ठीक किया जा सकता था। परंतु दोस्तों, इस संजीवनी बूटी को लेकर दो अलग अलग बातें संसार में प्रचलित हुई। दोस्तों, जिस संजीवनी का उल्लेख हिंदू धर्म के दो महाकाव्यों में से एक रामायण में विस्तार पूर्वक किया गया है, वो असल में एक नहीं चार बूटियां थी। दोस्तों, जब मेघनाद के साथ युद्ध करते समय लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित हुए थे, तब महाराज विभीषण ने लंका के प्रमुख मुख्य राज वैद्य सुषेण को बुलवाया था और सुषेण वैद्य जी ने आते ही लक्ष्मण जी को देख प्रभु श्री राम से कहा था कि अगर लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा कोई औषध बचा सकती है तो वो केवल एक संजीवनी बूटी ही है। और ये बूटियाँ चार प्रकार की होती है, जिसमें पहली है मृत्यु संजीवनी, दूसरी विशाल करनी, तीसरी सुवर्ण करनी और चौथी संधानी संजीवनी। ये सभी बूटियाँ केवल हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर ही पाई जा सकती है। दोस्तों, ये तो हुई इन बूटियों के मिलने का स्थान, परंतु इस संजीवनी बूटी की उत्पत्ति का जो पहला कारण है वो ये है कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात माता सबरी से होती है। माता सबरी से मिलने के बाद जब माता सबरी उन्हें अपनी कुटिया में लेकर जाती है और उनकी सेवा में कुछ बैल उपस्थित करती है, परंतु उन बैलों में कुछ खट्टे होने के कारण जब माता सबरी ने बैलों को चख कर प्रभु श्री राम को खिलाए थे, तब प्रभु ने तो माता सबरी के उस सच्चे हृदय के भक्ति प्रेम को स्वीकार कर उन बैरों को खा रहे थे, तभी लक्ष्मण जी ने उन बैरों को झूठा देख कुछ बैर खाए थे और कुछ फेंक दिए थे जो कि द्रोणागिरी पर्वत पर जाके गिरे थे। तभी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को ऐसा करते देख ये कहा था कि हे लक्ष्मण, जिन प्रेम भाव से दिए गए बैरों को फेंक तुमने माता सबरी के इन बैरों का अपमान किया है, परंतु एक दिन इन्हीं बैरों से तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी और वही बैर आगे चल के संजीवनी बूटी बनी। और जैसे हनुमान जी उन संजीवनी बूटी को लाने द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे, तब राजा वैद्य सुषेण जी ने संजीवनी बूटी की पहचान चमकीली और आकर्षित करने वाली बूटी बताई थी, परंतु पहाड़ पर ऐसी अनेकों बूटियां चमक रही थी जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी की पहचान न कर पाए और पूरा पर्वत ही उठा के लाए थे। उसके पश्चात ही सुषेण वैद्य जी ने लक्ष्मण जी का उपचार किया था। दोस्तों, जो पहाड़ हनुमान जी द्वारा वहां ले आया गया था वो आज भी वही रुमासला पर्वत के नाम से स्थिर है। संजीवनी बूटी की कथा की दूसरी कहानी के कथा में कहा गया है कि जब गरुड़ जी की माता को नागलोक के देवता ने नागलोक में कैद कर गरुड़ जी की माता से छल कर उन्हें बंदी बनाकर सेविका बना लिया था और गरुड़ जी से ये मांग की थी कि जब तक तुम इंद्र से हमें अमृत नहीं लाकर दोगे तब तक तुम्हारी माता हमारे पास बंदी रहेगी। और उसी के पश्चात जब गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत लेकर आ रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें द्रोणागिरी पर्वत के कुछ हिस्सों में गिर गई थी, जिसके कारण आगे चलते उन्हीं बूंदों से संजीवनी बूटी का निर्माण हुआ था। और इसी प्रकार अलग अलग धर्म ग्रंथों में संजीवनी बूटी की उत्पत्ति के दो अलग अलग प्रमाण दिए गए। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी में से आपको कोई भी बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।